आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। लेकिन प्यार की दीवानगी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। कहीं दादी माँ ने की पोते से शादी, तो कहीं दो बहनों को हुआ एक ही आदमी से प्यार। तू बड़ा लकी है मेरे यार। इस वीडियो में प्यार में पड़े हुए लोग आपको छोटे बड़े नजर आएंगे, मगर एक्चुअल में वो बराबर हैं क्योंकि प्यार में हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखना, कसम से हर देखने वाले का मूड बन जाएगा। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जिसने भी लाइनें लिखी होंगी उसने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि आपस में लगभग 100 साल का अंतर वाले दो लोग प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। 18वीं सदी में पैदा हुए अहमद मोहम्मद की 5 बीवियां थी और उन सभी से उनके 13 बच्चे भी थे। लेकिन इसके बाद उनका दिल आया 17 साल की सैफिया अब्दुल्ला पर। उस समय अहमद मोहम्मद की उम्र थी 112 साल। दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और फिर निकाह कर लिया। सैफिया अहमद की 6वीं बीवी बनी। अपन तो एक को नहीं संभाल पाते हैं, इन्होंने तो 112 साल के बाद 6वीं बीवी घर ले आए। आप हमें एक बात जरूर बताना, आखिर इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? ये कहानी हमारे देश भारत की है। गंगा जमुना नाम की है दो बहनें, जन्म से ही एक दूसरे के साथ कमर से जुड़ी हुई हैं। दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, दिल अलग अलग है, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा एक ही है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि शायद उन्हें कोई प्यार करने वाला मिलेगा, लेकिन जब ये दोनों 45 साल की थी तब जसीमुद्दीन को इनसे प्यार हो गया। जसीमुद्दीन ने दोनों बहनों से एक साथ शादी कर ली। अब तीनों साथ रहते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। दो बहनें अगर एक दूसरे से प्यार करती है तो एक दूसरे के साथ काफी कुछ शेयर कर लेती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है दो बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करें कि वो एक दूसरे के साथ अपना पति भी शेयर कर ले? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दोनों जुड़वां बहनें हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। आप पहचान ही नहीं सकते कि इनमें कौन एना है और कौन लूसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक जैसे कपड़े पहनती है, एक जैसा मेकअप करती है। ये दोनों एक दूसरे को 100% कॉपी कर लेती है। सेम लिपस्टिक, सेम चश्मा, एक दूसरे के साथ सेम टू सेम रहने का इनका ये जुनून उस समय सारी लिमिट क्रॉस कर गया जब लोगों ने जाना कि ये दोनों एक ही बेड पर सोती हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करती हैं, एक जैसा ही खाना खाती है। और सबसे बड़ी बात ये, इन दोनों को एक ही आदमी पसंद आ गया। जी हाँ, इन्होंने प्यार भी किया तो केवल एक ही आदमी से, जो कि एक कार मैकेनिक है, और फेसबुक के जरिए इन दोनों बहनों से मिल गया। इसके बाद इन दोनों बहनों का ये कॉमन बॉयफ्रेंड दोनों का प्रेमी बन गया। इसके बाद ये दोनों बहनें सारे काम इसके साथ एक साथ करने लगी। समझ रहे हो आप? सारे काम यानी वो वाला काम भी। इन दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ अपनापन निभाने में हजारों डॉलर उड़ा दिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इन दोनों में जो थोड़ा डिफरेंस बनाया था, इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए उस डिफरेंस को भी खत्म कर दिया और एक दूसरे के लुक को सेम टू सेम कॉपी कर लिया। 37 साल की इन दोनों बहनों को जिस कार मैकेनिक से प्यार हुआ वो भी 37 साल का ही है। अब दोनों बहनों को एक ही आदमी से शादी हो गई और अब एना और लूसी सेम टू सेम वाले कॉन्सेप्ट को आगे भी जारी रखना चाहती है। ये चाहती है कि शादी के बाद ये दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो, एक साथ ही बच्चों को जन्म दे। भाई वाह, बहन बहन के बीच ऐसा प्यार, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपके दिल का क्या हाल है हमें कमेंट बॉक्स में बताना। उस कार मैकेनिक की तो बल्ले बल्ले हो गई। प्यार की एक कहानी तो तोता मैना के प्यार से भी हैरानी भरी है। शेरन टेंडलर इसराइल की रहने वाली है। इन्हें एक मछली से प्यार हो गया। ऐसा वैसा प्यार नहीं, दरअसल इन्होंने शिंडी नाम के एक डॉल्फिन को अपना पति बना लिया। बाकायदा इन्होंने अपने प्यार का इजहार दुनिया के सामने किया। फिर इन दोनों की शादी हुई। शादी में शेरन की तरफ से उनके दोस्त आए और डॉल्फिन की तरफ से उनके फ्रेंड शामिल हो गए। इसके बाद इन दोनों की मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई। इन दोनों की मुलाकात एक रीफ में हुई, प्यार हुआ, फिर दोनों की शादी साल 2006 में हुई। अपने गाने की ये लाइनें तो जरूर सुनी होगी, मगर हम आपको दिखाने जा रहे हैं केवल 8 साल के स्नेह मसे लैला के साथ हेली शाह बांगू ने शादी कर ली। ये कोई बाल विवाह का मामला नहीं है। दरअसल हेलेन शाह बांगू की उम्र दादी माँ की उम्र के बराबर है। हेलेन को एक सपना आया जिसमें उनके पूर्वजों ने उनसे कहा कि उन्हें 8 साल के स्नेह से शादी करनी है। हेलेन ने स्नेह के माता पिता से बात की और उन्होंने हाँ भी कर दी। हेलेन को शादी में तोहफे और 1.5 लाख रुपए भी मिले।
इसके बाद बाकायदा दोनों ने कोर्ट मैरिज की और शादी के पेपर साइन किए। फिलहाल दोनों एक साथ रह रहे हैं। कॉयल जॉन और मरजूरी माकूल की प्रेम कहानी सबको हैरान कर देती है, क्योंकि जिस समय मरजूरी को कॉयल से प्यार हुआ उस समय उनकी उम्र 26 साल और जो दूसरे हैं उनकी उम्र 86 साल है, यानी दोनों में 60 साल का अंतर है। फिर भी दोनों में एक दूसरे से प्यार हुआ, एक साथ रहने लगे। हालांकि मरजूरी को इसके अलावा दो और महिलाओं से भी प्यार है, उनके साथ भी रिलेशन में। मजे की बात तो यह है कि ये दोनों महिलाएं भी मरजूरी से उम्र में काफी बड़ी हैं। मरजूरी के इस डिफरेंट लाइफस्टाइल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। सच में प्यार तो बस प्यार होता है। अगर आप मोटे लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि वो खूबसूरत नहीं होते, लवेबल नहीं होते, तो हमारी ये स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। प्यार की दीवानगी का एहसास आपको भी हो जाएगा। निखिल रुफनेल का पति भी अपने लिए प्यार की ऐसी दीवानगी महसूस करते हैं, तभी तो उन्होंने निखिल से प्यार किया। निखिल के हिप का साइज है 8 फीट। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, आप देखकर समझ सकते हैं। लेकिन इनकी अपनी हाइट 4 फीट है, यानी इनके हिप इनकी हाइट से दुगुने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निखिल को उसके पति पसंद करते हैं तो हम भी ये कहेंगे। सच में प्यार केवल दिल के मिलने की बात है। हमारी अगली प्रेम कहानी काफी इमोशनल है। हमदान हाशिम और नूर हसान की जब शादी हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद हाशिम की आंखों में तकलीफ होने लगी और बहुत जल्दी बीमारी का पता भी चल गया। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इन्हें स्टीवन जॉनसन नाम की खतरनाक बीमारी थी, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी ही नहीं गई बल्कि त्वचा पर भी कुछ इस तरीके से निशान बन गए। उनका लुक बहुत ही बेकार हो गया। हाशिम के इस लुक को लेकर लोगों ने उनकी पत्नी से काफी कुछ कहा, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे शादी के वक्त ली गई कसमें याद थी। वो आज भी अपनी शादी को निभा रही है, पति के दुख में उसका साथ निभा रही है। हम तो बस इतना कहेंगे, बहुत जल्द हाशिम ठीक हो जाएं और इन दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ चलती रहे। जब प्यार होता है तो दिल में कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। और फिर प्यार करने वाला ये भी नहीं देखता कि सामने वाले की हाइट क्या है, उम्र क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है और उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है। और ऐसा ही कुछ हुआ अमीना के साथ। इन्होंने जिस शख्स से प्यार किया वो है आरिफ इब्राहिम, जिसकी हाइट केवल 3.5 फीट की है। अपनी छोटी हाइट की वजह से ही ये काफी डिप्रेशन में रहा करते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें सारी जिंदगी अकेला ही रहना पड़ेगा, कोई कभी हमसे प्यार ही नहीं करेगा। मगर ऊपर वाले ने हर किसी का एक हम सफर बनाया है मेरे दोस्तों। जब अमीना ने आरिफ को देखा तो उसके दिल में गिटार बजने लगा। आरिफ ने अपने दिल का पियानो बजाया और फिर दोनों ने मिलकर जो संगीत के सुर छेड़े उसका नतीजा आपके सामने है। इन दोनों की छोटी सी बिटिया जब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अमीना आरिफ से 2 फुट बड़ी थी और अमीना के परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया, यहाँ तक कि उसे बेदखल भी कर दिया। लेकिन अमीना ने बोला, मेरे लिए आरिफ इज बेस्ट, इसलिए तो किसी ने कहा है तेरे मेरे बीच में। एंटन क्राफ्ट और चाइना बेल के बीच प्यार किए इलू इलू जिसने भी देखी एक बार तो सोच में पड़ गया। एंटन केवल 4 फीट के हैं और इनकी हॉबी है बॉडी बिल्डिंग। अपनी साइज के वेट लिफ्टर में ये चैंपियन है, जबकि 6.3 फीट हाइट की चाइना बेल एक ट्रांसजेंडर है। मगर जब प्यार हो गया तो फिर ये सारी चीजें कहां मायने रखती हैं। एंटन को चाइना के ट्रांसजेंडर होने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है वो अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं और उसकी खुशी का कारण है उनकी पत्नी चाइना बेल। इस कहानी से हमें ये जानने को मिला कि ये मॉडर्न लव है दोस्तों। यहाँ जिससे प्यार हो ये जरूरी नहीं कि वो मेल हो या फीमेल हो। अगर वो शीमेल भी है तो भी चलेगा, उससे भी प्यार हो सकता है, निभाया जा सकता है। मगर आपकी जानकारी में प्यार की कोई अनोखी दास्तान है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।